हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ एन एकेडमी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वन वर्ड का सेशन और ईडियम्स का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पिछले वीक मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन इस वीक हम बिना किसी समस्या के इन क्लासेस को वापस से बहुत ही थोरो में और बहुत ही अच्छे से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं हमेशा आप लोगों को देता हूँ कि अगर आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किया है तो जाइए और मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो करिए। फॉलो करने का फायदा ये होगा कि आप लोग मेरी स्पेशल क्लासेस देख पाएंगे, ठीक है। तो मेरी स्पेशल क्लासेस आप तभी देख पाएंगे जब आप मुझे जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो करेंगे। तो फॉलो करो, जाओ और फॉलो करो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो करो और स्पेशल क्लासेस का फायदा उठाओ, ठीक है। इसके अलावा ये दो मेरे बैचेस चल रहे हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, इनमें से एक बैच तो खत्म होने वाला है। तो अगर आप इन बैचेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, जल्दी मैं एक नया बैच भी स्टार्ट करूंगा। चलो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले वर्ड की तरफ। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है रेफरेंडम, और रेफरेंडम का मतलब होता है एन एक्ट वेल पीपल वोट इन ऑर्डर टू मेक अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पॉलिसी रेदर देन वोटिंग फॉर अ पर्सन, ठीक है। तो रेफरेंडम को अगर हम एक शब्द में बोले तो जनमत संग्रह होता है, सब आप क्या ना, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या किसी पॉलिसी के ऊपर जब लोग आपस में जब लोग वोट करते हैं, जब आप उनका ओपिनियन जानना चाहते हो वोट के थ्रू किसी सब्जेक्ट पे या किसी पॉलिसी पे, तो वो आपके रेफरेंडम कहलाता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेफरेंडम वर्ड का प्रयोग करते हैं। काफी अच्छा वर्ड है रेफरेंडम, बहुत ही प्यारा वर्ड है ना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आप लोगों के सामने सोपोरिफिक, है ना। सोपोरिफिक पे क्या होता है, सोपोरिफिक आपके वो ड्रग होता है, वो दवाई होती है, वो मेडिसिन होती है जो कि लोगों को जल्दी सुला देती है। ड्रग विच कॉजेस पीपल टू स्लीप अर्ली, है ना। तो वो ड्रग जिसके थ्रू लोग जल्दी सो जाते हैं, स्लीप जल्दी नींद आ जाती है उनको, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, आपके सोपोरिफिक बोलते हैं। बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे वर्ड की तरफ, जो है एस्थेटिक्स, और इसका मतलब होता है द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट, है ना। तो एस्थेटिक जो है वो आपके फिलोसफी की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम ब्यूटी का आर्ट की जो ब्यूटी होती है उसको हम स्टडी करते हैं ना, ठीक है। तुमने वर्ड सुना हो तो कई बार कपड़ों से भी रिलेटेड होता है, जिस तरीके से आप ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हो ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एस्थेटिक्स वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तुमने कभी सुना हो जैसे कि मल्लिका शेरावत को एस्थेटिक सेंस नहीं है, मतलब ब्यूटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये सेंस उनमें नहीं है ना, ठीक है। तो फिलोसफी की वो ब्रांच जिसमें ब्यूटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो सिखाया जाए या सीखा जाए, तो उसे हम एस्थेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने राइट्स हैं, और राइट्स तो आपके बहुत ही आसान वर्ड है। तो राइट्स तो आपके संस्कार होते हैं, रिलीजियस एक्ट्स जो होते हैं वो आपके राइट्स कहलाते हैं ना, ठीक है। जो नियम कायदे जो हम जो आप फॉलो करते हो, ट्रेडिशनल नियम कायदे, ठीक है, किसी भी फंक्शन में, वो आपके सारे क्या कहलाते हैं, राइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आप लोगों के सामने कंपोजिटर, जिसका मतलब होता है अ पर्सन हु अरेंजेस टेक्स्ट ऑन अ पेज बिफोर प्रिंटिंग। तो ये कंपोजिटर आपके वो व्यक्ति होता है जो अक्षरों को सही ऑर्डर में क्रम में जमाता है, प्रिंटिंग से पहले शब्दों को सही ऑर्डर में जमाने वाला व्यक्ति आपके कंपोजिटर कहलाता है। तो ये आज के हमारे पांच वर्ड थे दोस्तों, और पांचों ही शानदार वन वर्ड है ना। चलो भाई, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पांच बेहतरीन सेंटेंस लेके आता हूँ जिनके अंदर हम इन पांच वन वर्ड को फिट करते हैं। तो पहला आप लोगों के पास में, आई ऑफन हैव टू टेक सोपोरोफिक, ठीक है, मुझे कई बार क्या लेना पड़ा, सोपोरिफिक लेना पड़ा बिफोर आई गो टू बेड। आई ऑफन हैव टू टेक सोपोरिफिक बिफोर आई गो टू बेड। वी टीच मेनी थिंग्स बट मोस्टली आई टीच एस्थेटिक्स, मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाता हूँ लेकिन मोस्टली कौन सी चीजें पढ़ाता हूँ, एस्थेटिक्स पढ़ाता हूँ, फिलोसफी ऑफ द इमेज भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तीसरा है हैविंग क्वालिफाइड एज अ कंपोजिटर, कंपोजिटर के रूप में क्वालिफाई करने के बाद में ही लेटर बिकेम अ लीनो टाइप ऑपरेटर ना। तो ये एक तरीके की मशीन होती है लीनो टाइप, तो उसका ऑपरेटर बनना आपके लीनो टाइप ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। I voted no in the referendum. तो referendum में ही तो आप no vote करोगे, और these traditional rights, ये जो traditional rights है, are performed only by the woman of the village, है ना। तो वो एक गांव की औरत के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं,
तो ये पांच हमारे वन वर्ड थे। अब हम मूव करते हैं हमारे idioms की तरफ। तो आज की हमारी पहली idiom है to keep in abeyance, जिसका मतलब होता है to delay or suspend something। तो किसी चीज को delay कर देना, suspend कर देना, to keep in abeyance कहलाता है। How long do you think they will hold the decision in abeyance, है ना? तुम्हें क्या लगता है कितने समय तक वो इस डिसीजन को abeyance में रख पाएंगे? ठीक है, तो डिले और सस्पेंड समथिंग आपके कीप इन एबियंस कहलाता है। टू बी इन अ फिक्स का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। टू बी इन अ फिक्स का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। आई वॉज रियली इन अ फिक्स व्हेन आई मिस्ड द प्लेन, है ना? आई वॉज रियली इन अ फिक्स, मैं फिक्स में था, मैं बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन में था। व्हेन आई मिस्ड द प्लेन, जब मैंने प्लेन को मिस किया तो मैं बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में था। नेक्स्ट आप लोगों के सामने एज डाफ्ट एज अ ब्रश, जिसका मतलब हो गया एक्सट्रीमली सिली। ठीक है, She was as daft as a brush. वो एक ब्रश के जैसा बेवकूफ है, सिली है। As daft as a brush, उसका मतलब हो गया वो बहुत ज्यादा बेवकूफ है, बहुत ज्यादा सिली है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है evening of life, जिसका मतलब होता है old age. Grandma had to stay in a nursing home once she entered the evening of life, है ना? कि grandma जो थी वो nursing home में stay कर रही थी। When she entered the evening of life, जैसे ही उन्होंने evening of life जो है वो enter करी, old age में enter करा, उन्होंने nursing home में उनको रहना पड़ा, है ना? ठीक है, बुढ़ापे में उनको nursing home में रहना पड़ा। ठीक है, so evening of life बड़ा प्यारा आपके साथ idiom है। Daft as a brush आपके बहुत बढ़िया है। To be in a fix, difficult situation में होना। Keep in abeyance, चीजों को लटकाना, ना? Abeyance का मतलब ही होता है temporary inactive, तो delay और suspend करना इसका meaning हो गया। ठीक है, तो काफी अच्छी अच्छी idiom है। लास्ट हमारे पास idiom है wait behind the ears। wait behind the ears का मतलब होता है young and without much experience। ठीक है, कोई व्यक्ति यंग है, ज्यादा चिंता नहीं करता है, परवाह नहीं करता, ज्यादा लोड नहीं लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं? यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस कहते हैं। हिज स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स, हिज स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब हो गया कि वो अभी भी जो है यंग है और उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। चलो भाई मैच कर लेते हैं। कीप इन एबियंस, टू डिले और सस्पेंड समथिंग, टू बी इन अ फिक्स मतलब टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एज डाफ्ट एज अ ब्रश एक्सट्रीमली सिली, इवनिंग ऑफ लाइफ का मतलब होता है सब आपके ओल्ड एज, वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस। ठीक है, ये आपके टू कीप इन एबियंस कहलाता है, सो वेट बिहाइंड द ईयर्स कहलाता है। ठीक है, चलो भैया ना, तो ये पांच आपने मैच करी है। अब हम मूव करते हैं आपके एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। आपको पता है दोस्तों मेरा रेफरल कोड क्या है, ये हर्ष 11 है, और आप इस रेफरल कोड का प्रयोग करके आप इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं ना। तो यू कैन यूज एन अकेडमी लर्निंग ऐप, डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद में 12 महीने का प्लान चूज करें, और ये प्लान जो है वो आपके 6000 रुपीज का है। रेफरल कोड लगाए हर्ष 11 और अप्लाई पे क्लिक कर दें। जब आप रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको इंस्टेंट क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 5400 रुपये का होगा। उसके बाद में आप क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू और यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ना? यू कैन पे थ्रू नेट बैंकिंग, यूपीआई और क्रेडिट और डेबिट कार्ड। ठीक है, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।